तो लेटेस्ट प्रोसीड विथ न्यू साइकिल। हमने कैल्विन साइकिल पढ़ा था। लेकिन कुछ प्लांट में इस कैल्विन साइकिल के अलावा इसके साथ साथ एक दूसरी साइकिल भी चलती है, उसको बोलते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल। दो साइकिल चलती है। जिन प्लांट में दोनों साइकिल चलती है उन प्लांट को हम C4 प्लांट बोलते हैं। और ये जो एडिशनल साइकिल चल रही है इसका नाम C4 साइकिल है। मतलब कैल्विन साइकिल रहेगी, ये C3 साइकिल रहेगी हमेशा। जहां भी फोटोसिंथेसिस हो वहां C3 साइकिल होगी, क्योंकि यही साइकिल जो है CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाती है। लेकिन कुछ प्लांट में एडिशनल साइकिल है। उस एडिशनल साइकिल को हैच एंड स्लैग साइकिल या C4 साइकिल बताया गया, या इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताया गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये भी नाम दिया गया। अब पूछेंगे इसका नाम C4 क्यों पड़ा या इसका नाम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों पड़ा और किन तरह के प्लांट में ये पाए जाते हैं। तो जिन प्लांट में पाए जाते हैं वो C4 प्लांट है। ये प्लांट ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ये तो ट्रॉपिकल प्लांट है। तो ये प्लांट अगर हम दो चार नाम इसका जाने तो एक बहुत कॉमन नेम है शुगर केन। शुगर केन C4 प्लांट है। मेज C4 प्लांट है। दो नाम जानते होंगे, एक अमरेंथस वीड है ये भी C4 प्लांट है। साइपेरस ये जो घास है ये भी मोथा घास कहते हैं, लंबी लंबी ऐसी होती है, फील्ड में उगती है। यूफोर्बिया ये भी एक वीड ही है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, नाम आप उनको रखें, अमरंथस नाम याद रखें, साइपेरस नाम याद रखें, यूफोर्बिया। वैसे तो कॉमन अगर हम नाम रखें तो शुगर केन और मेज, इनमें जो है ये C4 साइकिल चलती है। क्यों चलती है प्रश्न ये है, क्योंकि ये साइकिल उन जगहों पर चलती है जो ट्रॉपिकल इलाका है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है। तो स्टोमेटा पार्शली क्लोज होंगे, CO2 कम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो जब CO2 कम होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो वहां एक संभावना फोटो रेस्पिरेशन की बन जाती है।
फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन ना हो वो बेनिफिशियल है। सी फोर प्लांट आर द स्पेशल प्लांट वेयर देर इज नो फोटो रेस्पिरेशन एंड दे हैव एडिशनल साइकिल फॉर CO2 फिक्सेशन। They have additional cycle. This cycle is for absorbing CO2 inside the leaf. क्या करते हैं? CO2 की मात्रा कम है तो CO2 लीफ द्वारा एब्जॉर्ब होगी। तो ये CO2 को पंप करने की साइकिल है। CO2 कम है, अगर CO2 ज्यादा है तो आप जानते हो कि RuBP CO2 जुड़ता है रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, C3 साइकिल चलती है। तो CO2 फिक्सेशन, अगर CO2 ज्यादा है तो ये केल्विन साइकिल हो रही है। और यहां जो पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, दूसरा जो C4 प्लांट है उनमें PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से CO2 जुड़ता है। ये थोड़ा सा अंतर है, जानेगा ये C3 साइकिल और C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन है। RuBP CO2 एक्सेप्टर है C3 में, PEP एक्सेप्टर है C4 में। और इस PEP के CO2 जुड़ने से यहां पर एक एंजाइम काम करेगा PEP कार्बोक्सिलेज। दिस एंजाइम इज मोर एक्टिव इफ अमाउंट ऑफ CO2 विल बी लेस। तो PEP से एक 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड हैज 4 कार्बन एंड इट हैज 2 COOs, इसलिए ये डाई कार्बोक्सिलिक है। CO COOH CH2 COOH ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए C4 साइकिल का नाम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी होता है। वो इस आधार पर कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बन रहा है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में 4 कार्बन है इसलिए साइकिल का नाम C4 साइकिल भी है। ये साइकिल एडिशनल साइकिल है, CO2 को पंप करने की साइकिल है। इतना याद रखिएगा, CO2 जब पंप हो जाएगा बंडल सीट में चला जाएगा तो यहां दूसरी साइकिल चलेगी केल्विन साइकिल ये वाली। अब ये C4 प्लांट कौन कौन से हैं, एक ये चीज जान लेना है। अभी हमने बताया आपको C4 प्लांट बेसिकली, आपको अगर पूछा जाए कि शुगर केन है, मेज है, इसमें कैसे हो रहा है, तो अपने आप कह दोगे ये C4 प्लांट है। अगर कोई वीड की बात आती है तो अमरंथस वीड है, साइपेरस वीड है, यूफोर्बिया वीड है। ये वीड है, इनमें C4 साइकिल चलती है। और कॉमनली अगर बोला जाए तो ये साइकिल ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिक्स में जो प्लांट पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर हाई होता है वहां पे साइकिल चलती है।
तो इस साइकिल को थोड़ा सा देखें, साइकिल में क्या-क्या है। एक्चुअल में जहां भी साइकिल चलती है वहां दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और दो प्रकार की सेल है, एक बंडल सीट सेल है और एक मीसोफिल सेल है। तो सबसे पहले बाहर हम मीसोफिल सेल की बात करेंगे। और लीफ के भीतर बंडल सीट है, इन दोनों में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक हो गए, तो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। जो बंडल सीट के क्लोरोप्लास्ट हैं वो लार्जर हैं, एक ग्रेनल है बंडल सीट के क्लोरोप्लास्ट। मीसोफिल के क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर है, विथ ग्रेना है। जो मिसोफिल है जहां स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, इनमें रुबिस्को एंजाइम नहीं है, नो रुबिस्को। जनरली क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम होता है, लेकिन इसमें रुबिस्को एंजाइम नहीं है। यहां पर पीईपी कार्बोक्सिलेज है, जो एंजाइम है वो पीपी कार्बोक्सिलेज है। जो मीसोफिल क्लोरोप्लास्ट है वो इनिशियल फिक्सेशन करता है, इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 करता है, मतलब यहां C4 साइकिल चलती है। ये जो बंडल सीट के क्लोरोप्लास्ट हैं, जहां C3 साइकिल चल रही है, एक यहां एक और खास बात होगी, यहां पिगमेंट सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होगा, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। जो बंडल सीट क्लोरोप्लास्ट है इसमें ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होती, इसमें वाटर की फोटोलिसिस नहीं होती, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड नहीं है। नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट में होता है, C3 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में ये सब होता है, लेकिन C4 प्लांट के
बंडल शीत क्लोरोप्लास्ट में ये सारी चीज नहीं होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लांट जहां ग्रो करते हैं वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फोटो रेस्पिरेशन की संभावना होती है, इसलिए मीसोफिल में आरयूबीपी नहीं पाया जाता। क्योंकि अगर आरयूबीपी मीसोफिल में पाया जाएगा तो फोटो ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा, इसलिए आरयूबीपी भीतर बंडल सीट में पाई जाती है। ये आरयूबीपी यहाँ पाई जाएगी बंडल सीट में, भीतर है, इंटीरियर में है, क्योंकि आरयूबीपी का ऑक्सीडेशन होने वाला है हाई टेम्परेचर का, इसलिए इसको ऐसी जगह रखेंगे जहां ऑक्सीजन ना पहुंच सके। तो बंडल सीट भीतर होता है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा और इस क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन निकल भी नहीं रहा क्योंकि पिगमेंट सिस्टम सेकेंड नहीं है, क्योंकि वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा। तो आरयूबीपी की ऑक्सीजन से मुलाकात नहीं होगी, आरयूबीपी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। और जहां ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां आरयूबीपी नहीं है, और जहां आरयूबीपी है वहां ऑक्सीजन नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन कैसे बच रहा है समझिएगा, मीसोफिल की सेल बाहर एक्सपोज्ड है, यहाँ फोटो रेस्पिरेशन की संभावना है, और फोटो रेस्पिरेशन के सबस्टेट आरयूबीपी होता है, मीसोफिल में आरयूबीपी नहीं पाया जाएगा, रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाएगा। तो मीसोफिल में फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। बंडल सीट में आरयूबीपी मिल रहा है, लेकिन बंडल सीट डीप सीटेड है, इसलिए बंडल सीट तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, और बंडल सीट में C4 साइकिल द्वारा CO2 पंप किया जाता है, तो बंडल सीट में CO2 ज्यादा होगा पंपिंग एक्शन के कारण। और ऑक्सीजन निकल नहीं रहा, वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो रही है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो जो सीवर प्लांट है दे आर स्पेशली डिजाइन्ड so that there should not be photorespiration। और वो स्पेशली डिजाइंड क्या है, और स्पेशली डिजाइंड में यही बात है, आरयूबीपी इस मीसोफिल में नहीं है जहां सेल ऑक्सीजन से सीधे संपर्क में आएगा, और फोटोरेस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट आरयूबीपी का होना जरूरी है, और उसको ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आरयूबीपी नहीं है, नो फोटोरेस्पिरेशन। यहां आरयूबीपी है तो ऑक्सीजन नहीं है, नो फोटोरेस्पिरेशन। तो बंडल सीट में आरयूबीपी प्रेजेंट बट नो ऑक्सीजन, मीसोफिल में आरयूबीपी अब्सेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो ये संभावनाएं फोटोरेस्पिरेशन को चेक करती हैं। और कुछ खास बात, जो क्लोरोप्लास्ट है डाइमॉर्फिक है, मीसोफिल का क्लोरोप्लास्ट छोटा है, ग्रैना है उसमें, बंडल सीट का क्लोरोप्लास्ट बड़ा है, एक ग्रैनुलर है, इसे पिगमेंट सिस्टम सेकेंड नहीं है। अब जरा साइकिल समझ जाइए क्या होता है। तो मीसोफिल सेल में पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट
ये फास्को इनोल पायरवेट, फास्को इनोल पायरवेट इन प्रेजेंस ऑफ पीपी कार्बोक्सिलेज, CO2 से कंबाइन करेगा और बनेगा ऑक्सैलोइस्टिक एसिड। ये ऑक्सैलोइस्टिक एसिड क्या होता है? COOH, CO ऑक्सैलो हो गया, ये CH2, COOH ऑक्सैलोइस्टिक एसिड हो गया, तो ये ऑक्सैलोइस्टिक एसिड बनेगा। और ये ऑक्सैलोइस्टिक एसिड NADP2H से रिड्यूस होगा। तो ये जो COOH है वो CHOH हो जाएगा, CHOH हो गया, और ये CO जो है CHOH हो गया, बाकी C-double-bond OH लगा हुआ है, और फिर CH2 C-double-bond OH, ये मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड बंडल सीट में चली जाएगी, ये बंडल सीट में जाएगी, तो बंडल सीट में जाएगी तो इससे CO2 निकल जाएगा, और ये पैरवी कैसेट बन जाएगी। और पैरवी कैसेट इस बंडल सीट से मीसोफिल सेल में चलाएगा, C-double-bond OH, C-double-bond O, CH3, ये पायरविक एसिड है। और पायरविक एसिड से पीपी बनने में 2 ATP खर्च होते हैं, तो ये 2 ATP खर्च करके CO2 को पंप किया जा रहा है, तो C4 प्लांट मोर एक्सपेंसिव है, दे हैव टू स्पेंड 2 ATP पर CO2 मॉलिक्यूल टू पंप। ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है, C4 प्लांट एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देंगे। ये पूरी साइकिल C4 साइकिल है। इस C4 साइकिल में क्या हो रहा है बेसिकली, ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड पहला स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सैलोइस्टिक एसिड, इसमें 4 कार्बन है, इसीलिए इस साइकिल का नाम C4 साइकिल है। इसमें COOH 2 है, इसलिए इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला गया है। क्यों इसी के नाम में बोला गया है? क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड CO2 के जुड़ने के बाद यही बनता है, जो चीज सबसे पहले बनती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो ये ऑक्सैलोइस्टिक बन गया। ये फिर रिड्यूस होकर के मैलिक एसिड बनाता है, मैलिक एसिड बंडल सीट में चला जाएगा,
मालिक कैसे बंडल शीट में चला जाएगा, बंडल शीट में पार्वी कैसे में बदलेगा, और पार्वी कैसे जब बदलेगा तो वहां CO2 निकल जाएगी, ये CO2 C3 साइकिल में चली जाएगी। तो मैलिक एसिड से लेकर के पार्विक एसिड तक इतना काम बंडल शीट में हो रहा है, और इतना काम मीसोफिल में हो रहा है। तो ये क्या चीज है, ये पार्विक एसिड है। पार्विक एसिड 2 ATP लेकर के क्या बनाएगा, PEP बनाएगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट बनाएगा। फास्फोइनोल पाइरुवेट PP कार्बोक्सिलेज की मदद से ऑक्सलोइस्टिक एसिड बनाएगा। ऑक्सलोइस्टिक एसिड रिड्यूस होकर के मैलिक एसिड बनाएगा, और ये मैलिक एसिड बन रहा है, इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसलिए ये मीसोफिल से बंडल शीट की ओर जाएगा। बंडल शीट में जा करके CO2 निकाल करके पाइरुविक एसिड में बदल जाएगा, और पाइरुविक एसिड फिर बंडल शीट से मीसोफिल सेल की ओर चली जाएगी। ये है C3 C4 साइकिल, और C3 प्लांट और C4 प्लांट में अंतर